वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर चैनल स्टे टॉक। अभी हम आ चुके हैं एलडी अप्रूव रेजिडेंशियल प्लॉट के प्रोजेक्ट में, जो कि है विकास विहार। उसका कंस्ट्रक्शन अपडेट देखेंगे और क्या क्या डेवलपमेंट्स अभी प्रेजेंट टाइम पे हो चुके हैं उसको देखते हैं। बरसात का टाइम है तो काफ़ी प्यारी खूबसूरत टाउनशिप हमें लग रही है। वो आपका मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस के उस तरफ आपका रोड है, फिर वहाँ पर एक पैरल आपकी नहर जा रही है, इंद्रा नहर, तो उसको भी हम देखेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को ब्रीफ करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से खास मेहमान होने वाले हैं आशीष जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल स्टेट टॉक में। तो लगभग एक डेढ़ महीने बाद हम फिर से आए हुए हैं चैनल को, थोड़ा सा क्या क्या अपडेट हो चुके हैं वो देखने के लिए और क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। जी जी। तो सर थोड़ा सा लोकेशन क्या आ रहे हैं, अपने नए व्यूवर से शुरुआत करते हैं बताने के लिए, क्या लोकेशन पड़ता है प्रोजेक्ट का? ये जो लोकेशन है सर, ये आपका सिद्धपुरा लोकेशन पड़ता है और ये अंसल का बैक साइड वाला एरिया है। अच्छा, अगर आप इस तरफ देखेंगे तो सुशांत गुल सिटी का एरिया है, जहाँ पे सेक्टर जे वगैरह पड़ते हैं आप, आउटर रिंग रोड के उस तरफ। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। और आउटर रिंग रोड के इस तरफ जो है ये आपका कभी एक समय पे अंसल फेस टू हुआ करता था। अच्छा, बट अब ये पूरा जो है एलडीए और आवास विकास का एक्विजिशन है और यहाँ पे उनका डेवलपमेंट है। ठीक है सर, प्रोजेक्ट में जैसे विकास विहार हमारा है जी, बिल्डर ओनर का क्या नाम होगा सर यहाँ पे? मिस्टर प्रेमचंद यादव सर हैं। अच्छा अच्छा। उनका ये पहला एलडी रेरा प्रोजेक्ट था जो सामने आप देख रहे हैं, ये हमने अपने फेज वन को डिलीवर कर दिया है। पहला प्रोजेक्ट था जिसमें कि फेज वन डिलीवर्ड है आपका। और ये रोड कितने फीट की है सर? ये आपके 42 फीट की रोड है और जो प्लॉट के सामने वो 30-30 फीट की रोड है। और इसमें अगर आप देखेंगे सर तो जो भी बेसिक फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम डेवलप कर चुके हैं। हाँ, जिसमें रोड्स हम बना चुके हैं, अंडरग्राउंड सीवर का काम कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिक पैनल जगह जगह हमने लगा दिया है। और अगर आप देखेंगे सर तो हमारा जो है प्लांट भी बैठ रहा है। अच्छा, अगर आप चलेंगे तो हम आपको प्लांट की तरफ भी प्लांट दिखा देंगे। और यहाँ पे हमारे जो कस्टमर हैं अपना कंस्ट्रक्शन का भी काम स्टार्ट करा दिए हैं घर के, घर बनाना भी शुरू कर दिया है और मोस्टली लोगों ने अपनी बाउंड्री भी यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी बाउंड्री करा रखी है, अच्छी दे रखी बाउंड्री की। बहुत लोग सर रजिस्ट्री हो गई है, बहुत लोग नहीं भी कराते हैं। हाँ, एलडीए में तो ये है कि बहुत से लोग नहीं भी कराते हैं क्योंकि सेफ एंड सिक्योर चीज़ें हैं और बहुत से लोग करा भी रहे हैं। स्ट्रीट लाइट भी काफ़ी खूबसूरत लगाई हुई है। हाँ हाँ, स्ट्रीट लाइट वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये सब ऑपरेशनल हैं, तो ये रात में सब जलते हैं सर। तो फेज़ वन सर कितने लैंड एरिया में था? ये 12.5 एकड़ में था सर आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। जिसमें जो है टोटल 210 प्लॉट थे। अगर हम साइजेस की बात करेंगे तो सब मिनिमम साइज हमारे पास 350, 450, 1500, 1800, 2450 स्क्वायर फीट के प्लॉट साइज हैं। अच्छा, ये साइजेस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। फेज़ वन तो आपका डिलीवर्ड हो चुका है, हाँ, पर अपकमिंग जो फेज़ टू आपका आने वाला है उस सारे आप कई सारे ऑप्शन जी 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 उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रेंड, कोई फेज़ वन में लेना चाहता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। हमारे कई व्यूवर्स लास्ट हमने वीडियो बनाया था, कई लोगों ने आप देखा और लिया भी है। सर के पास छोटे साइज़ के भी प्लॉट्स हैं? जी जी, हमारे पास सर आपको इक्का दुक्का 800 स्क्वायर फीट के भी प्लॉट हैं, 450 के भी हैं, 350 के भी हैं। ये हमारा पहला पार्क है, ये 10,000 स्क्वायर फीट का पार्क है। और अगर आप देखेंगे तो इस पार्क में हमने सिटिंग एरिया से लेके पाथवे, वॉकिंग ट्रैक वगैरह सब हम बना दिया है। हाँ, काफ़ी अच्छा आपने मेंटेन किया, ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी लग रही है जी, फेंसिंग भी कर रखा है आपने यहाँ पर। तो ये आपका हमारा पहला पार्क हो जाएगा ना सर? जी जी। और बहुत जल्दी ही हम अपना क्लब हाउस स्विमिंग पूल का भी काम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, तो एमिनिटीज में क्लब हाउस स्विमिंग पूल सारी चीज़ें आप दे रहे हैं? जी जी जी। और क्या क्या चीज़ें रहेंगी सर एमिनिटीज में? इसमें देखिए, एमिनिटीज में आपका नर्सरी स्कूल भी रहेगा, इंटर कॉलेज स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट नेट, प्रैक्टिस पिच, बास्केटबॉल कोर्ट, जो भी एक सोसाइटी में रहने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो हम सारा चीज़ें जो है अपने कस्टमर को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो फेज टू सर आपका किस तरफ आएगा? फेज टू इसके पीछे जहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं उसके पीछे कर रहे हैं, उसके पीछे आपका फेज टू आएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमने जो है ट्रांसफार्मर वगैरह भी लगा दिया है, इलेक्ट्रिक पैनल्स वगैरह भी लगा दिए हैं और पॉली कैप का वायर यहाँ पे। सर एक चीज हम आपको ये भी एड ऑन करना चाहेंगे, बिल्कुल, कि जो भी चीजें हमने यहाँ पे बनाया है, जो भी चीजें, चूंकि अब लैंड के अंदर की चीजें नहीं दिखती हैं लोगों को, सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कोशिश किए कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीजें प्रोवाइड कराएं। जैसे इसमें जो वायर है पॉली कैप का लगाया है, जो इसमें वाटर पाइपलाइन है ये सब जो है कि आपके एस्टेल की है। तो कोशिश यही है, जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह है, जो भी हमसे हो सका है वो हम बेहतरी बनाने की कोशिश किए हैं। ये सामने वाले जो लैंड देख रहे हैं यहाँ पे ही हमारा जो है क्लब हाउस स्विमिंग पूल
वाला एरिया रहेगा। अच्छा, ये आपका क्लब हाउस स्विमिंग पूल का एरिया रहेगा। ये हमारा 25,000 स्क्वायर फीट का पार्क है, तो इसी में हमारा क्लब हाउस स्विमिंग पूल रहेगा सर। ओके, जैसे हम देख रहे हैं प्रॉपर रोड है, रोड के अंदर आपका पाथवे है और साइड में सर ने सीवर का भी काम कर रखा है, पाथवे की तरफ सीवर पाइपलाइन गई हुई है। तो कुछ इस तरह से खूबसूरत आप टाउनशिप का व्यू ले सकते हैं। ये कि सुल्तानपुर रोड से कनेक्टिंग एरिया पड़ता है जलसा रिजॉर्ट के पास। फ्रेंड्स, तभी हम छोटे साइज के प्लॉट की तरफ चल रहे हैं सर। जी 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 जी। अब इस अगर आप पिलर से और उस रोड के बीच की जो लैंड देखेंगे, जी जी जी, ये हमारा नर्सरी स्कूल का रहेगा सर। ओके, नर्सरी स्कूल की लैंड है। तो अभी हमारा सर प्लानिंग ये है कि हम इसको बना के जो है लीज आउट करेंगे। ओके, क्योंकि उसमें क्या है कि फिर हमारे पास एक ऑप्शन ये रहता है कि अगर उसकी सर्विसेज सोसाइटी को नहीं समझ में आया तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। सही कह रहे हैं। इधर हमारा सबसे बड़ा पार्क है 57,000 स्क्वायर फीट का। तो फ्रेंड, हम टाउनशिप से इस रोड से आ रहे थे, अब ये रोड यहाँ आते आते ये आपका एक बड़ा पार्क है जो आगे चल के हम देखेंगे। बट अभी हम देख लेते हैं जो यहाँ पे छोटे साइजेस के प्लॉट है उसके अंदर थोड़ी डिटेल्स और लेते हैं। तो सर थोड़ा समय बताइए, छोटे साइज के प्लॉट क्या रहे, क्योंकि इसकी काफ़ी क्वेरी लोगों की रहती है। देखिए, हमारे यहाँ जो छोटे प्लॉट्स हैं वो 450, 350 और कुछ एक दो प्लॉट जो है 800 स्क्वायर फीट में भी आपको मिल जाएगा। जी जी जी। जो डायमेंशन है इसमें, ये 18 फीट फ्रंट है अगर आप देखेंगे तो, और इसमें 25 फीट डेप्थ है। जो 450 स्क्वायर फीट वाले प्लॉट हैं, आपका 18 फीट फ्रंट और 25 फीट डेप्थ। जैसे ये प्लॉट आप देखेंगे, एक ही कस्टमर है। अच्छा, इन्होंने दो प्लॉट लिया है। 900 हो गया लगभग। हाँ, ये लगभग 900 स्क्वायर फीट हो गया। तो इसमें इनका जो है 36 फीट फ्रंट आ गया है और डेप्थ आप देखेंगे तो 25 फीट है। 25 फीट है। और जो आपका 350 वाले हैं उसमें 12 फीट फ्रंट है और जो है 28 फीट डेप्थ है। इनकी रोड की चौड़ाई क्या होगी सर? ये जो सामने रोड है सर, ये 25 फीट की रोड है। 25 फीट की रोड है। और अगर आप देखेंगे तो जो भी फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपने बड़े प्लॉट्स में दिए हैं, सेम फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपने छोटे प्लॉट्स में भी दिए हैं। प्रॉपर रोड आपकी बनी हुई है, 30 फीट 25 फीट की रोड है। स्ट्रीट लाइट इसमें भी प्रॉपर लगा के दे रहे हैं। यहाँ पे भी आपके पाथवे वगैरह रहेंगे, आप देखेंगे तो हमने स्पेस छोड़ा है पाथवे के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप लखनऊ में, पूरे इंटायर लखनऊ मार्केट में अगर आप देखेंगे तो आपको छोटे साइजेस के फ्लैट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन प्लॉट के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। जो कि इसमें खासियत ये होती है ना कि बहुत से लोग 450, 500, आप इंदिरा नगर, गोमती नगर देखेंगे, लोगों ने 450, 500 में अच्छे घर बना रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिनका बजट कम है पर उनकी रिक्वायरमेंट भी कम है, हाँ, तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ सर, जैसे आपने अभी जिक्र किया आवास विकास में भी, वृंदावन योजना में भी, जी, 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 है, वहाँ पर भी बहुत से है। और गोमती नगर में पत्रकार पुरम के पास जो है विनयखंड 1, 2, 3 लेन में भी बहुत सारे 500 स्क्वायर फीट और आपके जो है कि 450 स्क्वायर फीट के घर हैं और अच्छे घर हैं। अच्छे घर हैं। तो जिनका बजट कम है और छोटा प्लॉट एरिया, उनके लिए बहुत अच्छा है, रिक्वायरमेंट है 450, 500। और जैसे सर ने बताया 800 भी है, दो अगल बगल अगर आप ले लेते हैं 300-300 के, हाँ कॉम्बिनेशन ले लेंगे तो आपको 1000 के भी 1200 के भी मिल जाएंगे। ऑप्शन आपको अच्छा मिल जाता है, कम बजट में अच्छा डेवलपमेंट, एलडी अप्रूव, रियल एस्टेट, सरकारी बैंकों से अप्रूव, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं, प्रॉपर आपकी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, 25-30 फीट की रोड है, एसीवर पस्टी भी है। तो ये भी एक लेन है आपकी छोटे प्लॉट साइजेस की। जी जी। वैसे क्या कॉस्टिंग आती छोटे प्लॉट साइजेस की सर? छोटे प्लॉट्स की कॉस्टिंग लगभग 10.5 लाख से 11 लाख के बीच में कॉस्टिंग जाती है। अच्छा। और जो उससे जैसे 450 स्क्वायर फीट के जो हमारे प्लॉट से, उसके 15.5 से 16 के बीच में कॉस्टिंग। ओके। बेस्ट पार्ट ये है कि सारे नेशनलाइज बैंकों से इसकी फंडिंग है। ऑलरेडी आपने भी लोन कराया है तो इसमें जी जी। बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, कैनरा, सारे बैंकों से फंडिंग है, लोन ईजिली मिल जाता है आपको। तो आप जो है कि 20%, 10% मार्जिन अमाउंट जमा करके भी आप प्लॉट खरीद सकते हैं 11-12 लाख से, यानी कि प्लॉट आपके छोटे साइज स्टार्ट हो जाते हैं, 16-17 लाख तक जाते हैं, है ना सर? जी 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 जी। अगर आप 800 वाला लेंगे तो उस हिसाब से 3500 का बेसिक प्राइस आएगा और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ हाँ। अगर कोई हमारे यहाँ जो रेट है वो 3500 रुपये का है सर, तो एरिया वाइज आप मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। और कॉर्नर का होगा तो PLC लगेगी, कॉर्नर या पार्क होगा, है ना सर? जी जी जी। तो ये तो हो गया सर हमारा, इस तरफ फेज टू आ जाएगा। हाँ, हमारा फ्यूचर डेवलपमेंट है सर, जिसका काम अभी चल रहा है। जी। और ये हमारा छोटे साइजेस के प्लॉट आ जाएंगे। ये भी हैं क्या छोटे साइजेस के प्लॉट? हाँ, ये भी आपके हैं। ऐसे देखेंगे तो इधर भी नंबरिंग पड़ी है। ये भी तो, ये और ये आपका पूरा छोटे साइजेस के प्लॉट का पैच है। और उस तरह आगे चलते ऐसा चलते पार्क भी देख लेते हैं। जी जी। और STP बता रहे जहाँ बन रहा है, तो बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट है। फेज वन में भी आगे पास एक अच्छे प्लॉट साइजेस का ऑप्शन है, फेज टू भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह के वीडियोस को लेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें।
आइए चलते हैं आपको डेवलपमेंट और दिखाते हुए चलते हैं दोस्तों बाहर की तरफ। मौसम भी वेदर भी काफ़ी अच्छा है, ऑसम वेदर है। तो आप बता रहे सबसे बड़ा पार्क ये है ना सर? हाँ ये सबसे बड़ा पार्क है सर। अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें जगह जगह सिटिंग एरिया हमने बना रखा है, आपके वॉकिंग ट्रैक वगैरह सब बना रखा है। और इसमें भी अगर देखेंगे तो हमने कोई नॉर्मल वर्क नहीं किया, इसमें जितने भी सिटिंग एरिया सब में मार्बल वगैरह सब लगाया है। तो जो एक डेवलपर की थॉट है कि वो जो है कि बेस्ट बेस्ट चीजें प्रोवाइड करे अपने कस्टमर के लिए। एक बेंचमार्क भी होता है पहला प्रोजेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारी चीजें अच्छी रहेंगी तो हमारे जो फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट हैं उस पर हमको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प आउट मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में जब से कवर जब स्टार्ट हो रहा था चीज़ें यहाँ पे रोड नहीं बनी थी, आज का टाइम है रोड बन चुकी है, तो हमें भी देखते हुए अच्छा लगता है। जो व्यूवर्स ने यहाँ पे लिया है तो काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं इस चीज़ को, वो एक अच्छा रिटर्न भी उनको मिल गया है। बिल्कुल 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 सर, प्लॉट्स में वैसे भी रिटर्न आपको अच्छे मिलते हैं एज कम्पेयर टू अपार्टमेंट्स। और प्राइस वाइज भी अच्छा प्रोजेक्ट है, इस लोकेशन वाइज और डेवलपमेंट वाइज वेट नहीं करना डेवलपमेंट को लेकर कि बहुत लिंगर ऑन हो रहा है 2 साल 3 साल जैसे कुछ अदर बिल्डर्स में है। नहीं सर, हमने जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट से पहले ही हमने डिलीवर कर दिया है अपने फेज वन को। तो फ्रेंड जैसे आप देख सकते हैं पूरा डेवलपमेंट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, और एक दो लोगों ने मकान बनाना भी शुरू कर दिया है जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया वहाँ पर। आने वाले टाइम में और मकान आपको यहाँ बनते दिख सकते हैं। यहाँ पर सर ऑलरेडी 2-3 लोगों का जो है भूमि पूजन भी हो गया है। अच्छा, और बहुत सारे इसमें कस्टमर जो है प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन पर लोन लिए हैं, तो अगर आप 2-4 महीने बाद आएंगे तो यहाँ पे ठीक ठाक नंबर्स में घर बनते हुए दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे से कितने परसेंट तक लोन हो जाता है? जनरली अगर एवरेज बात करें तो 75-80% लोन हो जाता है। बाकी अगर कस्टमर बैंकर है तो उसके चूंकि बैंकर है उसको पता भी है, उसका 90% तक भी फंडिंग हो जाती है। प्रोसेस अगर हम बात करें चलते चलते बुकिंग प्रोसेस क्या होता है, कोई कस्टमर आता है देखता है? सर बुकिंग प्रोसेस में पहले हम कस्टमर से 10% की डिमांड करते हैं। ओके, जैसे कस्टमर 10% पेमेंट कर देता है तो उसको हम जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं, पेमेंट रिसिप्ट हो गया, ATS हो गया, जो भी उसको लोन कराने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए हम उसको जो है कि प्रोवाइड करा देते हैं। फिर जैसे ही लेटर बिल्डर बायर एग्रीमेंट, फिर जैसे ही उसका लोन वो अप्लाई करने के बाद जैसे सैंक्शन होता है तो फिर हम उसको जो है कि अगली डिमांड करते हैं। जितना हमारा डेवलपमेंट हो चुका होता है उतना ही हम जो है उससे डिमांड, जैसे फेज वन हमारा डेवलप हो चुका है जी, 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 तो इसमें हम 45 दिन का समय देते हैं, उसमें हम उससे डिमांड करते हैं क्लाइंट अपना पेमेंट करे, तुरंत रजिस्ट्री कराए, घर बनाना घर बनाए या बाउंड्री करके कुछ समय के लिए छोड़ना। इजी स्टेप में आपको समझाऊं, जैसे 10% आप आएंगे बुकिंग कराएंगे, कुछ दिन में आपको वर्किंग डेज में आपको मिल जाएगा अलॉटमेंट लेटर रिसीप एग्रीमेंट। उसके बाद आप फिर अगर लोन पे जा रहे हैं, मान लीजिए आपका 80% लोन हो जाता है तो आप फिर आप 10% देंगे एक्स्ट्रा। बिल्कुल बिल्कुल, 80 बैंक दे देगी, 75 होता 25 आपका हो जाएगा, अगर 70-30 आपका ये पोर्शन रहेगा। बाकी सर ये हमारा जो है कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो है हम इसमें प्लान में बैठा रहे हैं जी, जी। मोटर्स वगैरह भी सब आ गए हैं, थोड़ा वे मौसम वेदर को देखते हुए काम रुका हुआ है। ये भी हमारा जो हफ्ते भर में हम चीजें इसको बना के प्लांट वगैरह से बैठा के ऑपरेशनल कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे देखें एक ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पे लगाया है, और जो आप पहला पार्क देखे हैं 2 ट्रांसफार्मर वहाँ लगाया है, बाकी सारे कनेक्शन हो चुके हैं, पैनल वगैरह सब लग चुके हैं, तो इसमें कोई भी पेंडेंसी ऐसा बचा नहीं है आज के डेट में। तो फ्रेंड जैसे हमने डेवलपमेंट देखा, STP बन रहा है, इधर छोटे प्लॉट भी देखे, तो इस तरह की वीडियोस के जिनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई क्वेरी दिन पर आप कॉल कर सकते हैं, प्रॉपर CSC में आपको विजिट बुकिंग कराने में हेल्प करेगी। थैंक यू।